बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूबर। गाइस, आप देख रहे हैं इस वक्त इना ग्राफिक। तो आई होप कि आप सब लोग फाइन होंगे, फिट फाट होंगे। आई एम रियली सॉरी कि 2 वीक हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो बट आज सोचा कि आज आप लोगों को कुछ सिखा के जो है वो मैंने सोना है, उससे पहले नहीं सोना। आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ जो है आज ज़रूर क्रिएट करूँगा। और गाइस, बहुत सारे आइडिया हैं माइंड में, बट क्या करूँ, टाइम नहीं मिलता। नहीं तो इंशाल्लाह जो है ना, एक से बढ़ के एक आइडिया मेरे पास जो है ना वो है आप लोग को कुछ सिखाने के लिए। ठीक है, कुछ ना कुछ दिल करता है आप लोग को डेली जो है ना कुछ सिखाऊँ, बट क्या करूँ, टाइम की वजह से जो है ना वो चैनल पे ना वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बट कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे गाइस। तो गाइस, आज के आर्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ, D+D लोगो डिज़ाइन। तो गाइस, आप लोगों को कभी ये लोगो नहीं ना सिखाया, तो आज दिल किया कि आपको D+D लेटर लोगो सिखा ही दूँ। 3D जो है आप लोग को सिखाया, बट 3D पे वर्क कर रहे हैं हम लोग आजकल, बट लेटर लोगो को भी यार साथ लेके चलना है। बहुत अच्छे लेटर लोगो हैं और बहुत मज़ा आता है इसको क्रिएट करने में। और गाइस, अपने माइंड से क्रिएट कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो गाइस आपके जो फेवरेट कलर हैं आप उनको पहले क्रिएट करें, उसके बाद उनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कलर किए हैं, अगर आप इस लोगों को सिंपल रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो गाइस आप करें ऑलवेज की तरह वीडियो को एंजॉय, और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो आप लोग जो मेरे चैनल पे जो पहले से हैं उनको तो पता है कि मैं बहुत इजी मेथड के साथ आप लोग को फुल एक्सप्लेन करके बताता हूँ एक एक चीज़ कि आप लोग इजी मेथड के साथ जो है वो लोगों को क्रिएट कर सके। और जो नए लोग हैं यहाँ पे, तो उनको ये मैं बता दूं कि गाइस इस चैनल पे आपको बहुत ही इजी मेथड के साथ जो है वो लोगो क्रिएट करना सिखाता हूं मैं, और बहुत ही इजी मेथड, कोई इसमें आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्रिएट करने में बिल्कुल जो है वो इजी मेथड होगा। ठीक है, तो गाइस आप करें वीडियो को एंजॉय, और मैं मिलता हूँ वीडियो को लास्ट में। तो गाइस चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बता दूँ इस लोगो के बारे में। मैं आज सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा जो है वो ज़्यादा मतलब के कुछ ज़्यादा ना क्रिएट करूँ, बस सिंपल सा क्या करूँ, एक ग्रैंड मेथड जो है वो आप लोगों को बताऊँगा, वो आपने क्रिएट करना है, और उसके बाद अपना लोगो जो है वो अपने क्रिएट कर लेना है। अब आप लोगों को 2 आइडिया देता हूँ, आपको 2 आइडिया देता हूँ। हर बार कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को 2 आइडिया दूँ एक ही वीडियो में। ठीक है, कि आप लोगों को कैसे जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको इसमें इजी लगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट ये दोनों बहुत इजी है, मैं आप लोगों को बता दूँ, दोनों बहुत इजी हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को कौन सा मैं जो है वो क्रिएट कर दिखाता हूँ कि आप ग्रैंड मेथड का जो है वो यहाँ पे यूज़ कर लें। और कहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे रिएक्टर एंगल जो है वो लाइन, और उसके बाद आपको 2, 3, 4 नंबर पे मिल जाएगा, और नीचे से ऊपर जाएं तो सेकंड पे मिलेगा ग्रैंड टूल। ठीक है, तो आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है, और करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी ग्रैंड टूल वाली। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग करनी है। ठीक है, सेटिंग आपने क्या करनी है, और यहाँ पे आप अपने नंबर्स लिखेंगे विड्थ में, हाइट में। ठीक है, तो आपका जो है वो रेक्टर एंगल जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही मेरे यहाँ पे 100 विड्थ 100 है, और हाइट इसकी साइज़ की जो है वो 100 है। ठीक है, तो नंबर यहाँ पे 5 है, आपके कुछ भी हो सकता है, आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ क्या बनते हैं इसमें, 5 करते हैं, देखते हैं इसमें कितना आता है हमारे पास, 9। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं 6.6, ओके, तो ये मेरा जो है वो रेडी हो गया। इसका साइज 1 कर लेता हूँ, ओके। तो गाइस ये था पहला हमारा मेथड, इसकी मदद से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब सेकंड आप लोग को बताता हूँ, जैसे कि मैं आपको पता है कि मैं मैनुअल लाइंस जो है वो ज़्यादा क्रिएट करता हूँ, अपना स्केच जो है वो खुद से क्रिएट करता हूँ, बना बनाया नहीं मैं लेता, मैं खुद से क्रिएट करता हूँ, ओके, दैट्स गुड। और अब मैं क्या करूँगा कि गो टू एडिट कॉपी एंड गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस, और इसको रोटेट कर दूँगा तो ये चीज़ बन गई।
है, ये दोनों सेम टू सेम है, ये देख सकते हैं सेम है, जितनी वो लाइंस है उतनी वो लाइंस है, जितने बॉक्स वो हैं उतने बॉक्स वो हैं, बट ये क्या है वो हमें बना बनाया मिल जाता है और वो हमें क्रिएट करना पड़ता है। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, कि वो यूज़ करना चाहते हैं या वो यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम कौन सा यूज़ करें, तो चले मैं अपना जो मैंने क्रिएट किया मैं उसी पे आप लोग को क्रिएट करके दिखा देता हूँ, उस पे भी इजी है, सेम मेथड होगा, ठीक है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना, ये कोई पंगे वाली बात नहीं है, इजी इजी आप लोगों को बता रहा हूँ गाइस, टेंशन नहीं लेनी भाई। तो गाइस वो लोग खुश हो जाएं जिनका ये कंपनी नेम जो बनता है ना D+D, वो आज खुश हो जाएं कि आज उनके लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ही ईजी, और देखना लोगों सिंपल सा क्रिएट करूँगा और उसमें जो है वो खूबसूरती कैसे लेके आता हूँ वो आप लोगों ने देखना है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, इस तरह आपने स्केच रेडी कर लेना, अब आप लोगों ने प्रोसेस को समझना, कहाँ से स्टार्ट करूँगा, कहाँ पे फिनिश करूँगा और क्या क्या करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो गाइज अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट करते हैं शेप टूल को लेते हैं और इसमें ब्लैक कलर को फिल कर लेते हैं, कोई भी आप कलर फिल कर सकते हैं। तो गाइज़ आप लोगों ने अब वीडियो को स्किप नहीं करना भाई, यहाँ पर आप लोगों को कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइज़ अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं डी को जो है वो पहले क्रिएट कर लेता हूँ एक को, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने इसको क्रिएट कर लिया और यहाँ तक मैंने क्रिएट कर लिया और यहाँ पे एक मैंने क्रिएट कर दिया, बीच में मैंने स्पेस छोड़ दी। क्यों छोड़ी है भाई, इसका कोई मकसद है, इसलिए तो मैंने इसको छोड़ा है। अब मैं क्या करता हूँ कि गाइज यहाँ से मैं सेकेंड वाले डी को जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैंने कर लिया, अभी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर जो है वो ओके हो गया। अब बात ये आती है कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने हमें ये लाइंस लगा दिए हैं और बोल दिया कि हम D+D लोगों को क्रिएट करेंगे और ये कैसे क्रिएट होगा, बस यही तो बात है ना, कि अपने माइंड से सोचो भाई क्या करने वाला हूँ, ठीक है। नहीं आता तो मैं आपको सिखा देता हूँ। अब हम क्या करते हैं गाइज, इसको अनग्रुप करेंगे ऑलवेज की तरह, इसको वन बाई वन लेयर को जब आप ग्रुप करते हैं उसको अनग्रुप भी करना पड़ता है, ठीक है, ये भी बात माइंड में रखें। तो इसको करते हैं अनग्रुप करते हैं गाइज और अपने लोगों को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करने के बाद इसको कर देंगे रिमूव, रिमूव करने के बाद आप इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। तो गाइस ये हमारा लोगो भाई रेडी नहीं हुआ, आप इधर उधर देख रही हैं, टेंशन क्यों ले रही हो, बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे अभी क्रिएट करने वाला हूँ और इसमें खूबसूरती लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए आप कमाल देखें बस। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, पहले तो मैं यार क्या करता हूँ कि इसको जो है ना थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा फील कर लें, तो थोड़ा सा फील कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा पास पास आ जाए और खूबसूरत भी लगे। तो थोड़ा सा फील कर लिया, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, कोई बात नहीं। गो टू ऑब्जेक्ट, इसको एक्सपेंड कर देंगे, सॉरी गो टू एक्सपेंड ऑब्जेक्ट, हाँ सॉरी ऑब्जेक्ट में ही जाना था, और इसको ये कर देंगे डन, ये लो क्रिएट हो गया भाई। लोगों यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है यार, इतने प्यार से आप लोग देखते हो ना, जब बहुत अच्छा लगता है, यकीन मानेंगे आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे बहुत जो है वो अच्छा फील होता है, बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को कुछ सिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ आता है ना तो मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊँ, आप लोग भी कुछ कर सको यार, तो कुछ ना कुछ तो किसी को फ़ायदा होना चाहिए ना, ये नहीं अपने पास रख के क्या करेंगे, किसी को कुछ सिखाएंगे तो वो दुआएँ देगा आपको, ठीक है, और उसकी लाइफ भी बनेगी और अच्छा लगेगा। जब आप लोग इस दुनिया में आए हो तो कुछ करके भी जाओ, कुछ किसी को कुछ इलम ही दे के चले जाओ तो फ़ायदा ही है। तो गाइज अब हम चलें अपने लोगों की तरफ, चलते हैं, बहुत सारी बातें की है, मुझे आप लोगों के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ बातें करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है, तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना। तो अब हम गाइज चलते हैं लोगों की तरफ और लोगों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो गाइज अब इसको सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, यहाँ पे आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मिल जाता है, ठीक है। उससे पहले क्या करता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ, अनग्रुप करके इसको सेलेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसकी मद से इसको सेलेक्ट करके कुछ यूं मैं क्रिएट कर दूंगा। अब मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करूंगा और दोबारा इसको क्रिएट कर दूंगा। लो भाई ये क्या बन गया भाई, ये तो कमाल नहीं हो गया वैसे। चल भाई सेकंड वाले को पकड़ और सेलेक्ट कर और यहाँ पे कर दे क्रिएट, इसको डन कर। थोड़ा सा भाई अब एक आप लोगों को टू आईडी और दे देता हूँ, अगर इस तरह आप इस सेंटर वाले डी को ऐसे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं रखना तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों को बता देता हूँ। अगली भी बात, यहाँ पे इसको अनचेक करो, ऐसे ही इसको भी कर दो, ये कर्सल में, कर्सल में करना तो ऐसे कर दो, कर्सल में नहीं करना तो उस तरह भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो गाइज यहाँ पे मेरा लोगो जो है वह बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रेड कलर को अगर फिल करता हूँ, ओए हो हो हो, क्या कमाल की बात है यार, यार कमाल ही होगा ये देखें। वाह, ये तो ग्रैंड मेथड की मस्त कमाल का लोगो हमारा आज का रेडी हो गया भाई। अब क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको पास लेके आता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा, डायरेक्ट सेक्शन टूल लेता हूँ और इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके इसके पास ले जाते हैं। ओके भाई, ज़बरदस्त। तो गाइस भाई ज़्यादा भी नहीं जूम होना, इनको समझ आए। तो गाइस यहाँ पे मेरा लोगो बिल्कुल फाइनल हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत क्यूट सा लग रहा है, ओसम है, ठीक है, ज़बरदस्त है। अब गाइस क्या करता हूँ, आप लोगों को एक और आइडिया देता हूँ, क्या याद करोगे आप लोग, ठीक है, करें इसकी डुप्लीकेट करनी है आप लोगों ने। करने के बाद थोड़ा सा इसमें और कुछ डालते हैं, कुछ और खूबसूरती लेके आनी है तो ले आए, नहीं लेनी तो आपकी मर्जी है। यहाँ पे एक क्या करो, यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करो, ऐसे करने के बाद सेलेक्ट करो, शेप टूल को लो और यहाँ से रिमूव कर दो, ये लो, कमाल का हो गया भाई। तो गाइस आप देख सकते हैं ये था आज का हमारा लोगो D+D, तो कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप नीचे अपना टैगलाइन और कंपनी नेम वगैरह लिख सकते हैं और ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है। अब आप लोगों को ये तो मैंने बता दिया, ये तो गाइस अगर मैंने यहाँ पे ओके ये हमारा था, और अगर इसमें हम अपना ग्रेडिएंट कलर करते हैं फिल, तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हमें लगेगा। चलें आप लोगों के आप ऊपर डिपेंड करता है, इसको ब्लैक कर लें। वाओ दैट्स गुड। तो गाइस कमाल ही हो गया वैसे। अब मैं क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड इसी की मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट। ओके, इसको बैकग्राउंड पे रिमूव यूज़ करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ ग्रेडिएंट कलर का कमाल। अभी 2 वीक के बाद आए, कुछ अच्छा ही आप लोगों को सिखाना चाहिए ना, ऑलवेज की तरह। सेंड टू बैक, और इसको पहले तो इसको 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 वाइट करो, ठीक है। अब इसको ब्लैक कर दो, ये ले करेंट ब्लैक डार्क कर देते हैं, ओके डैट्स गुड। अब इसको आप रेड कर दो। अब गाइस आप लोग को बता दूं, अगर आपने बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर यूज़ करना है तो आप लोग को ये कलर फिल करने पड़ेंगे, अगर ब्लैक नहीं करना वाइट करना है तो आपको जो मैंने वाइट किया है उसको आपने ब्लैक करना है और रेड को रेड रहने देना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बहुत खूबसूरत लोगो लग रहे हैं, दोनों लोगो बहुत कमाल के हैं, बहुत अच्छे हैं। आप जिनका कंपनी नेम बनता है उनके लिए तो कमाल हो गया, ठीक है। तो आई होप किस तरह का लोगो क्रिएट करने में आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो गाइस आप ही से मैं बात कर रहा हूँ, आप इधर उधर देख रहे हैं, आप ही से बात कर रहा हूँ जिसने पूरी वीडियो को वॉच किया, इतने प्यार से इतने क्यूट ही से आपने मेरी वीडियो को देखा है, उन्हीं से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या जाता है आप लोगों का, कुछ भी तो नहीं जाता। क्या है नीचे वो रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है सब्सक्राइब का, उसको आपने प्रेस कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबाना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो हम नेक्स्ट भी आपसे मिले, ठीक है, तो नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि नेक्स्ट भी मैं आप लोगों को मिलूं और आप लोगों को कुछ सिखाऊं। और गाइस अगर आप भी लोगो मेकर बनना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो चैनल पे जाके विज़िट करें, बहुत सारे लोगो 3D लेटर लोगो पता नहीं क्या क्या मैंने अपलोड किया है, उनको जाके देखो, एंजॉय करो, कुछ सीखो और आप भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, बस क्या अपने माइंड को यूज़ करो और बहुत मज़ा आता है। इस ग्राफिक्स डिज़ाइनर जो ग्राफिक डिज़ाइनर है ना, इसकी लाइफ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कमाल की है। सुबह उठो, उठ के बहुत कुछ करो, ठीक है, लेकिन अपना जो है वो वर्क भी करो, आपका माइंड जो है ना फ्रेश रहता है इस काम को करके, ठीक है, बहुत मज़ा आता है। जब भी आप कोई मैं आप लोगों को एक बात बताऊं,
मुझे आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, बट मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, तो यकीन माने के बिलीव करें कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर जो होते हैं ना, इनको ये जब कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं ना और इनका डिज़ाइन जब पास हो जाता है और प्रिंट होता है, तो आप यकीन माने के बहुत ज़्यादा जो है इंसान ना हैप्पी होता है, बहुत ज़्यादा खुशी इंसान को ना दिल से होती है कि ये भाई मेरे माइंड से बनाया गया और मेरे हाथ से बनाया गया जो है वो ये मेरा डिज़ाइन है जो आगे जो है वो लोग इसको देखेंगे, इसको लाइक करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो बहुत अच्छी फील्ड है। तो जो जो भी इस फील्ड में है वो बहुत खुशकिस्मत है, और आप लोग भी यार कुछ सीखो बनाओ। तो आई होप कि इस तरह का लोगों को क्रिएट करने में आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।